जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल के खत करिन्थियों के नाम उसके 13:13 में मरकूम है, गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही है और इस खतरनाक कोरोना वायरस का सामना कर रही है और पूरी दुनिया में परेशानी है, हर कोई परेशान है, बाजारों में हू का आलम है और गिरजाघर और मस्जिदें और इबादतगाहें वीरान हैं, तो पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन इस परेशानी में मसीह खुदावंद हमारी उम्मीद है। वो ऐसी उम्मीद, पहले तो कलमा मुजस्सम हुआ और फिर उसने अपनी जान का फिदिया सलीब पर दिया और हमारे लिए हमारी उम्मीद ठहरा। और उसने ऐसा हमारा फिदिया दिया और पूरी दुनिया को उम्मीद दे गया कि जो जान उस पर ईमान लाएगी हमेशा की जिंदगी पाएगी। तो ईमान में उसी उम्मीद के साथ मेरी जानिब से, पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री की जानिब से और स्वान टूर्स की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद अल क़यामतुल मसीह मुबारक। और इस मुबारकबाद के साथ साथ आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि ब्राए करम इस ईद पर अपने घरों में रहें, घरों में अपने खानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ मनाएं, घरों पर रहें, दुआ करें ताकि खुदावन इस वबा को बहुत जल्द इस दुनिया से ख़त्म करे और हम दोबारा हालेलुया के नगमे गाएं और उसकी सना के गीत गाते हुए उसके घर में दोबारा आए और इन ईदों को दोबारा आपस में मिल के मना सकें। एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद पाश का मुबारक। आए हम मिलकर दुआ करें कि खुदा बाप इस कोरोना वायरस को जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसे ख़त्म करे ताकि हम सब मिलजुल कर ईस्टर की खुशियां मना सकें। मेरी तरफ से आप सबको ईस्टर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको ईस्टर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आपको ईस्टर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से ईद पाश का मुबारक। Happy Easter and pray for coronavirus. Stay home, be safe. Hello friends, Happy Easter. मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको wish you a very happy resurrection day of Jesus Christ. Happy resurrection day of Jesus Christ. कब्र पे खाले मखाले जी उठे जगदे वाले, कब्र पे खाले मखाले जी उठे जगदे वाले, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। मेरा नाम शाइना है और मेरी तरफ से आपको ईस्टर मुबारक। मेरी तरफ से ईस्टर मुबारक, हालेलुया। PMI की पूरी टीम को और आप सबको ईस्टर की खुशियां मुबारक कहती हूं, हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर। मेरी तरफ से और मेरे पूरे खानदान की तरफ से आप सबको यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम सबको महफूज रखे और बरकत दे। यीशु मसीह का जी उठना मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से मेरे तमाम मसीही बहन भाइयों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। जैसे यीशु मसीह जी उठे उसके पैरोकारों के लिए, कलीसिया के लिए एक जिंदा उम्मीद है कि वो भी एक दिन जी उठेंगे और उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। आप सबको हैप्पी ईस्टर। हालेलुया, यीशु जी उठा है। मेरी तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कि पिछले सालों के निस्बत इस साल हम सब ने रोज़ों के मौसम को बड़ी संजीदगी से गुजारा है और यीशु मसीह की कुर्बानी को भी महसूस किया है। यीशु मसीह का लहू
हमारी दुनिया से हर वबा को खत्म करे। आमीन। हालेलुया। हैप्पी ईस्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातर स्लीप पर जान दी और 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को क़यामत अल मसीह मुबारक। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर कामरान मुबारक है और मेरी तरफ से मेरी तमाम कलीसिया के रिश्तेदार चर्च मिशन कंपनी की तरफ से सब बहन भाई को जिसने क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक।